अस्सलामुअलैकुम गाइस, इस वक्त मैं आया हूँ साकरान पे। पीछे की तरफ आपको नहर नज़र आ रही है, पेड़ जहाँ पे पेड़ लगे हैं वहाँ पे नहर है। ये वो नहर है जिसका पानी जो है पूरे कराची वाले पीते हैं, तो लोग जो है इसमें नहा भी रहे हैं। देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है मैं सऊदी अरब में आ गया। नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी वीराना है यहाँ पर। तरफ नहर की तरफ जाना है, अभी नहर की तरफ वीडियो बनाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं पूरा वीराना है। तो यहाँ पे घर वगैरह बन रहे हैं, कोई सोसाइटी वगैरह बन रही है यहाँ पे। ये पीछे की तरफ जो है रोड जा रहा है, ये जो रोड है ये अब चौकी बलूचिस्तान की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ और नहर की तरफ चलते हैं। ये जो है खेत सा बना हुआ, झाड़ियाँ लगी हुई यहाँ पर। सही जगह देखते हैं जहाँ से नीचे उतर सके। यहाँ से नीचे उतर सकता हूँ, यहाँ से नीचे उतरता हूँ, आगे की तरफ चलते हैं वीडियो बनाते हुए। इस तरफ सारे लोग ही लोग नहा रहे हैं नहर पे। यहाँ से नीचे उतर के चलता हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी मिट्टी है, यहाँ भी जाता हूँ मिट्टी में वीडियो बनानी पड़ती है। अब की बार समंदर पे नहीं गए, समंदर पे है क्या, पानी और रेत ही है। तो अभी मैं नहर की तरफ जा रहा हूँ। ये इलाका भी सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी और धूप भी बहुत ही ज़्यादा है। इतनी दूर से आया हूँ कि रंग भी काला हो गया, ऐसे लग रहा है चांद पे आ गया हूँ मैं, चांद की ज़मीन पे। तो वीडियो को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और नहर की तरफ पहुँचता हूँ। हम नहर की तरफ पहुंचने वाले हैं, जो नहर की तरफ पहुंच गए। इतनी बड़ी नहर नहीं है जितनी गांव में होती है, छोटी सी नहर है। ये वो नहर है जिसका पानी जो कराची वाले पीते हैं। ये बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पे, बच्चे भी नहाते वाले नज़र आए। पानी में कूदो बाबा जी, सीरा कूदो। ये साफ मीठा पानी है, बहुत ही तेज पानी चल रहा है यहाँ पर। गाइस आपने देखा है यहाँ से कुछ लोग तैरते हुए गए। पानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मुझे भी नहाना था लेकिन मैं कपड़े वगैरह लेकर नहीं आया, यहाँ आने का मूड तो नहीं था। लेकिन कहीं जाने की जगह नहीं मिली, फिर सोचा यहीं पर आ जाए। तो बहुत ही ठंडा पानी होता है, नहाने में बहुत मज़ा भी आता है। पानी जो है बहुत ही तेज़ है, आगे की तरफ है, लोग नहा रहे हैं, गाने वगैरह भी चलाए हुए। थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ मैं। Yeah.
आगे छोटा सा पुल है, उसके ऊपर से जाना, नहर के अंदर से जा नहीं सकते, पानी बहुत ही तेज चल रहा है नहर का, हवा भी बहुत तेज चल रही है, जहाँ पे भी आते हैं मिट्टी मिट्टी होती है, कराची में बहुत मिट्टी है। भाई आपने देखा पानी कितना तेज चल रहा है यहाँ पे, ये पानी नीचे की तरफ गिर रहा है ताकि पानी और तेज हो, ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि पानी जो है और ज़्यादा तेज़ी से जाए आगे की तरफ। ये नहर कराची की तरफ जाती है जिसका पानी जो है पूरे कराची वाले पीते हैं। इनकी गाड़ी यहाँ फंस चुकी है मिट्टी में, निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं रही। ये भाई इनकी बाइक फंस गई है मिट्टी में, निकल ही नहीं रही, पेट्रोल तो खत्म नहीं हुआ। ये निकाल निकाल के थक चुके हैं, अभी आराम कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में फिर कोशिश करेंगे, ये फिर से ट्राई कर रहे हैं अभी। ये धक्का लगा रहे हैं लेकिन निकल नहीं रही, बहुत ही ज्यादा मिट्टी है यहाँ पर, ये ले गए आगे की तरफ, तो हम भी अभी जा रहे हैं आगे की तरफ। मैं जो अपनी बाइक पेट्रोल पंप पे खड़ी करके आया हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी है, बाइक नहीं चल पाती यहाँ पर। हवा बहुत तेज़ चल रही, तो हवा की आवाज़ें जो है माइक पे आ रही होंगी, मिट्टी उड़ उड़ के मुंह काला हो गया, एक एक किलो मिट्टी मुंह पे जम गई। ये भाई कूदने वाले हैं पानी में, कूदे बहुत सारे बंदे जो जमा हो गए थे बोल रहे हमारी वीडियो बनाओ हमारी बनाओ, तो उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, मेरा नंबर भी लिया उन्होंने, यूट्यूब पे वीडियो भी देखेंगे मेरी, तो इस तरह से सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहेंगे, वॉच टाइम भी मिलता रहेगा। वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, चाय वगैरह खाना वगैरह भी बनाते हैं। ये पौधे ही पौधे लगे हुए, पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पे मिट्टी उठाने वाला क्या बोलते हैं क्रेन जो है, क्रेन वाले कपड़े धो रहे हैं यहाँ पे अपने।
वो जंगलात ही जंगलात नजर आ रहे हैं मुझे अब, ये जंगलात है। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का भी, बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है यहाँ पे मुझे। पूरा गांव ऐसा लग रहा है गांव में आ गया। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो अभी हम जाते हैं वापस अपनी बाइक की तरफ और वहाँ से जाएंगे घर। गाइस अभी जा रहे हैं घर की तरफ वापस। मेरी जो बाइक है पंप पे खड़ी थी, पंप जो है काफ़ी दूर है। मैं आपको दिखाता हूँ पंप जो है कितनी दूर है यहाँ से। वो सामने आपको बोर्ड था नज़र आ रहा है, वो पंप है। थोड़ा जूम करता हूँ मैं। ये जो है सामने ये पंप है। तो मुझे यहाँ पे जाना है। तो ये पूरी नहर जो है पुल आएगा, पुल के उस तरफ से मुझे पुल क्रॉस करके तो उस तरफ जाना है मिट्टी वाली जगह पे। वहाँ से जाना है आगे पंप की तरफ। तो वहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हुई। तो यहाँ से जो है तकरीबन 40 से 50 मिनट का रास्ता है घर की तरफ। वो भी जाएंगे घर की तरफ। चलिए मैं पंप पे पहुँचता हूँ।